तो फाइनली यह वाला बंडल जो है मुझे मिल चुका है, जिसका नाम है टाइगर पेपर कट बंडल। तो सिंपल यार इसको एक स्क्रीनशॉट लेते हैं गाइस, एक स्क्रीनशॉट इससे ले लेते हैं और इस सो हे व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर फ्रेश वीडियो। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत होंगे। सो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हमारा एक न्यू लक रॉयल, जिसका नाम है यार पेपर कट गचा। तो आप इस पे हमें इनक्यूबेटर के सारे चारों के चारों गाइस बंडल मिलने वाले। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस, यहाँ पर आपको जो है डैमेज भी मिल सकते हैं और साथ ही आप इस टोकन को जो है एक्सचेंज भी कर सकते हो गाइस। यहाँ पर 20, 18 और दो मेरे पास पहले से परमानेंट है, पता नहीं वो कितने के हुए। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, दरवेज की पत करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है छोटी सी रिक्वेस्ट यार, वीडियो कर लेना एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आल पे सेट करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस यहां पर हमारे पास है 37,500 डायमंड और लेट्स सी यहां पर जो है एक स्पिन जो है 9 डायमंड के गाइस और 10+1 यानी 11 स्पिन जो है वो 99 डायमंड के। सो गाइस यहां पर 99 का जो है फर्स्ट स्पिन कर लेते हैं और देखते हैं यार फर्स्ट स्पिन में क्या मिलेगा। पिंक बॉक्स तो काफी सारे मिल चुके हैं, लेकिन देखते यार हमें क्या मिले। हर स्पिन में आपको जो है एक टोकन तो जरूर मिलेगा गाइज, और यहाँ पर मुझे एक लूट बॉक्स भी मिल चुका है। सिंपल इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको 10 स्पिन पे एक इनक्यूबेटर वॉचर मिलेगा, ओके कर लेते हैं। आपको 30 स्पिन पे दूसरा मिलेगा, आपको 50 स्पिन पे तीसरा मिलेगा गाइज। चलो गाइज यहाँ पर 99 का एक और कर लेते हैं स्पिन, सेकेंड स्पिन, और लेट्स सी देखते यार क्या मिलेगा गाइज, क्योंकि यार मुझे चाहिए यहाँ पर काफ़ी सारे यार डायमंड भी चाहिए, सॉरी हाँ डायमंड भी चाहिए गाइस, सॉरी नहीं, और साथ ही आपको टोकन भी चाहिए। अगर ये वाले बंडल डायरेक्ट मिल पाए तो यार क्या ही मजा आ जाएगा। यहाँ पर 200 का स्पिन मैं कर चुका गाइस। चलो गाइस तीसरा स्पिन कर लेते हैं 99 को, और लेट्स सी देखते हैं 99 में क्या मिलेगा गाइस। यहाँ पर तीसरा स्पिन हम कर चुके, फर्स्ट में टोकन मिल चुका गाइस, हो सकता है यार इसमें बंडल मिल जाए गाइस, और यहाँ पर नहीं मिला, ओके कर लेते गाइस। यहाँ पर मेरे पास हो चुके गाइस 3 टोकन, यहाँ पर मुझे चाहिए 20 और 18, यानी आपको जो है 2000 का स्पिन करना पड़ेगा, या आपको जो है यहाँ पर अगर आप ये निकालना चाहते हो तो यार 2000 का स्पिन करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट आपको नहीं मिला। अगर ये निकालना चाहते हो गाइस तो आपको 1800 का स्पिन करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर निर्णय एक और कर लेते हैं स्पिन और लेट्स सी देते हैं, हो सकता है कोई ना कोई बंडल जो है, क्योंकि हर बार मुझे है कोई ना कोई बंडल जो है डायरेक्ट ही मिल पाता है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या हमें डायरेक्ट बंडल मिल पाएगा नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास 4 टोकन हो चुके हैं और यहाँ पर दूसरा जो है इंक्यूबेटर वॉचर वो मैं क्लेम कर चुका गाइस। तो यहाँ पर 99 का एक और कर लेते हैं स्पिन और 5 वाला स्पिन है गाइस, तो लेट्स सी देखते हैं क्या इसमें हमें डायरेक्ट बंडल मिल पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर टोकन मिल चुके गाइस और क्या मिलेगा गाइस देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं मिला, ओके कर लेते हैं। यहाँ पर 5 स्पिन हमारे चुके गाइस और यहाँ पर तीसरा इनक्यूबेटर वॉच जो है वो भी हमें क्लेम कर चुका है, ओके कर दे गाइस। चलो गाइस 99 का एक और कर लेते हैं स्पिन और लेट्स सी देखते हैं इसमें क्या मिलेगा गाइस, देखते हैं क्या मिलता है, क्या हमें डायरेक्ट बंडल मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि यार मुझे अभी तक एक भी बंडल नहीं मिला गाइस। क्योंकि लास्ट टाइम जो था मुझे तकरीबन 2 बंडल डायरेक्ट मिल पाए थे और एक मैंने एक्सचेंज कर लिया था गाइस। यहाँ पर 6 स्पिन में कर चुका है, 7वां स्पिन है और लेट्स सी देखते हैं यार 7वें स्पिन में हमें क्या मिलेगा गाइस। यहाँ पर 700 का मैं स्पिन कर चुका गाइस और यहाँ पर सिर्फ टोकन ही मिला जा रहा है गाइस, लेट्स सी देखते हैं नहीं मिला, ओके कर लेते गाइस। 99 का एक और कर लेते हैं स्पिन और लेट्स सी देखते हैं इसमें क्या मिलेगा, क्या हमें डायरेक्ट बंडल मिल पाएगा या नहीं गाइस। तो यहाँ पर टोकन मिल चुका है गाइस और क्या क्या मिलेगा, फ्रेगमेंट वगैरह जितने भी थे गाइस सारे के सारे मिल चुके, ओके कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे हो चुके गाइस 8 स्पिन, तो यार 9 वाला स्पिन कर लेते हैं और देखते हैं 99 का स्पिन, हो सकता है यार डायमंड मिल जाए गाइस, 299 डायमंड मिल जाते यार आपको जो है 3 स्पिन और बचत हो जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर फिर भी नहीं मिला, ओके कर लेते हैं फिर से टोकन। यहाँ पर 10वां स्पिन कर लेते हैं गाइस, 10 वाला स्पिन और लेट्स सी देखते हैं क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट मिल पाएगा बंडल या नहीं। सो गाइस यहाँ पर टोकन फिर से मिल चुका है और लेट्स सी देखते हैं, फिर वही यार घिसी पिटी चीज़ें मिल चुकी गाइस। तो यहाँ पर 10 का एक और कर लेते हैं स्पिन गाइस 99 का और लेट्स सी देखते हैं इसमें क्या मिलेगा गाइस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलेगा, टोकन मिल चुका गाइस, यहाँ पर फ्रेगमेंट्स वगैरह और कुछ नहीं मिला, ओके कर लेते गाइस। चलो यार 99 का एक और कर लेते हैं स्पिन गाइस और लेट्स सी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलेगी गाइस। यहाँ पर मैं तकरीबन 18 स्पिन करने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे पास एक एवोल्यूशन स्टोन भी, अगर मुझे डायरेक्ट बंडल नहीं मिल पाया तो यार एवोल्यूशन को भी जो है मैं एक्सचेंज कर लूँगा गाइस, और यहाँ पर मैं 20 टोकन जो है अपने साथ जो है कर लूँगा, और साथ ही यार ये वाला बंडल जो है मैं एक्सचेंज कर लूँगा गाइस। तो यहाँ पर टोकन मिल चुका है गाइस और लेट्स सी देखते हैं और क्या चीज़ें मिलेगी, तो नहीं मिला, ओके कर लेते गाइस। यहाँ पर चलो यार 99 का एक और कर लेते स्पिन गाइस, देखते हैं इस बार क्या हमें डायरेक्ट बंडल मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि यार इस
स्पिन में यार मुझे एक भी बंडल नहीं मिला गाइस, एक भी बंडल नहीं मिला। ओके कर लेते गाइस, 14 स्पिन हो चुके गाइस, एक बंडल भी नहीं मिला गाइस, ये क्या इतना लग खराब हो गया गाइस। और यहाँ पर देखते हैं 15 वाला स्पिन टोकन मिल चुके गाइस, और लेट्स सी देखते हैं क्या मिलेगा, नहीं मिला। ओके कर लेते गाइस, यहाँ पर 15 के 15 स्पिन मैंने कर चुके यार, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिला। 1500 का स्पिन कर चुका हूँ, यहाँ पर 1600 का स्पिन फिर से कर लेते, टोकन मिल चुके गाइस, और यहाँ पर फिर से यार फ्रेगमेंट्स वगैरह मिल चुके। ओके कर लेते गाइस, तो यहाँ पर 99 का एक और कर लेते स्पिन गाइस, लेट्स सी देखते इसमें क्या मिलेगा। बंडल, एक बंडल मिल जाए डायरेक्ट यार तो यार फिर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि यार दूसरा बंडल जो है मैं एक्सचेंज कर लूंगा, और साथ ही जो है मैं यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बंडल का सेक्शन जो है वो फुल हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर टोकन मिल चुका है, 18वां स्पिन था हमारा गाइस, और यहाँ पर फिर भी नहीं मिला। ओके कर लेते हैं गाइस, अब यहाँ पर एक्सचेंज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यार ये वाला बंडल तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं मुझे ये चाहिए ये वाला, क्योंकि इसमें यार एनिमेशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली बैक आ जाते हैं यहाँ पर इवेंट सेक्शन में और एक्सचेंज। यहाँ पर आपके पास अगर एक इवोल्यूशन है तो आप जो है 2 टोकन ले सकते हो, अगर आपके पास पुराना एक ब्लूप्रिंट पड़ा है तो आप जो है 4 टोकन ले सकते हो। सो गाइज यहाँ पर एक्सचेंज करते हो गाइज में, और यहाँ पर 2 टोकन मुझे और मिल चुके हैं। ओके करते हैं गाइज, यहाँ पर मेरे पास जो है वो स्टोन बिल्कुल 0 चुके गाइज। तो लेट्स सी देखते हैं, अब यहाँ पर एक्सचेंज पे जाते हैं, यहाँ पर ये वाला बंडल 20 टोकन हमारे पास हो चुके हैं। तो गाइस इसको जो है एक्सचेंज करते हैं, तो फाइनली ये वाला बंडल जो है मुझे मिल चुका है, जिसका नाम है टाइगर पेपर कट बंडल। तो सिंपल यार इसको एक स्क्रीनशॉट लेते गाइस, एक स्क्रीनशॉट इससे ले लेते और इसको ओके कर लेते गाइस। यार इसको खोलते नहीं, क्योंकि यार काफ़ी सारे बंडल जो है मैंने आप लोग के संभाल के रखे, क्योंकि यार इस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार तकरीबन 100 से ऊपर बंडल हो चुके गाइस। यहाँ पर काफ़ी सारे यार मुझे बॉक्सेस भी मिल चुके, तो यार चलो गाइस इस बॉक्सेस को भी ओपन कर लेते, जो हमारे पास परमानेंट ना हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट मिल पाए, लेकिन नहीं मिला गाइस। सिंपली 2 बॉक्स और भी ओपन कर लेते हैं, नहीं मिला। चलो गाइस 4 और ओपन करते, लेकिन ये पहले से परमानेंट है, इसको भी 7 ओपन कर लेते गाइस, और 6 इसको भी ओपन कर लेते गाइस। सारे के सारे बॉक्स जो है वो ओपन कर लेते गाइस, देखते हैं क्या मिलेगा, कोई चीज़ परमानेंट निकल पाएगी या नहीं। नहीं मिला गाइस, यहाँ पर पहले से परमानेंट है, सॉरी। यहाँ पर सारे के सारे, और यहाँ पर ये वाला बंडल देख सकते हो गाइस, मेरे पास काफ़ी सारे यार बंडल हो चुके जो मैंने आप लोगों के संभाल कर, क्योंकि एक वीडियो में मेरे सारे के सारे जो है मैं ओपन करके दूंगा। जितने भी सारे लेजेंडरी यार गन बंडल है वो सारे के सारे मैंने रख लिया, और यहाँ पर यार 3 इनक्यूबेटर वाउचर भी मिल चुके थे हमें। तो गाइस इसको भी यार स्पिन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिले गाइस। तो यहाँ पर पिटफुल मिल चुका है, ओके कर लेते हैं। फिर से एक और स्पिन गाइस, दूसरा स्पिन, मेरे पास 3 निकल आए थे भाई, मेरे पास यहाँ पर कितने थे यार, 9 ब्लूप्रिंट मेरे पास यहाँ पे गाइस। तो चलो एक और कर लेते एक्सचेंज, और लेट्स सी देखते इसमें क्या मिलेगा गाइस। सो गाइस यहाँ पर गोल्ड मिल गया, ओके कर लेते गाइस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इवेंट, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगता है छोटी सी रिक्वेस्ट यार, वीडियो को कर लेना एक लाइक, और चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट करना, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इवेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे याद दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।